ओम बापू शरदार। गुड बोल बांग के बिहारी लाल, बापू आज 6 नवंबर 2024 इधर सुंदर दिन महाराज ने और एक दिखा देता है, जय जयकार है बापू शरदा राम तेरी, जय जयकार सारी संगत नू सत करता सत करता। अज दे सत्संग दी आपां प्रारंभता कराने आ। गुलाटी साहब तुसी वाहेगुरु दे नाम नाल हाँ जोड़ो, फिर रेखा जी जी जगदीश जी शीला जी, फिर नाल आपका वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की वाहिगुरु फतेह, सत फतेह 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 नाम सत नाम सतनाम सतनाम सत जी श्री वाहे नाम गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। रेखा जी हम अनम्यूट कर लो। सतनाम सतनाम जी, वाहे 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 गुरु वाहे गुरु जी। तेरा सब सदका वाहे गुरु जी तेरी सब रचना वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बिन तुद। हाँ जी बोलो बेशक। रेखा जी भी आ गए ने। रेखा जी आप भी बोलो जी। सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी तुद बिन होर जे मंगणा सिर दुखां कै दूख देओ नाम संतो किया उतरे मन की भूख सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी पांच बिखा दी एक गरीबा पांच बिका दी एक गरीबा राखो राखन हारे राखो राखन हारे राखो राखन हारे सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी
सतनाम सतनाम जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, तुद बिन होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख देओ नाम सन तो किया उतरे मन की भू। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जिसकी सोए सुने मन हरिया, जिसकी सोए सुने मन हरिया, तिस नानक परसन आवे, तिस नानक परसन आवे। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम बोलिए कदे भी ना डोलिए, सतनाम बोलिए कदे भी ना डोलिए, सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए, सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। ऐसी दया करो महाराज, ऐसी दया करो महाराज, नाम न विसरे नाम न विसरे, नाम न विसरे नाम न विसरे, नाम न विसरे नाम न विसरे, नाम न विसरे नाम न विसरे। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जी। गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। हाँ जी रेखा जी, आप बोलो, एक भजन सुनाओ, उसके बाद शीला जी आप तैयार रहो, और उसके बाद कोमल जी, थैंक यू, उसके बाद सीमा जी, थैंक यू। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदाई जय। तारियां दी छावे मेरे साते गुरु आंदे ने, भगत प्यारियां दा कुंडा खड़कांदे ने। तारियां दी छावे मेरे साते गुरु आंदे ने,
भगत प्यार आंदा कुंडा खड़कांदे ने, जेड़े सुन लेंदे सत गुरु दी आवाज नू, ओ पा लेंदे तेरे लोकी दे नाथ नू। मिठी मिठी आवाज मेरे सत गुरु लांदे ने, तारियां दी छावे मेरे सत गुरु आंदे ने, भगत प्यारियां दा कुंडा खड़कांदे ने, जिसे कारे उत्ते सतगुर हो गए दयाल जी, पल विच कर दिता उना नू निहाल जी। रहमता मिठिया सतगुरु बरसांदे ने, तारिया दी छावे मेरे सत गुरु आंदे ने, भगत प्यारियां दा कुंडा खड़कांदे ने। उठ के सवेरे जेड़े ध्यान लगांदे ने, उठ के सवेरे जेड़े ध्यान लगांदे ने, सतगुरु प्यारे उनू दर्श दिखांदे ने, सच खंड वाले उतो टिकट कटांदे ने, तारिया दी छावे मेरे सत गुरु आंदे ने, भगत प्यारिया दा कुंडा खड़कांदे ने, जेड़े कर लेंदे सत गुरु दा दीदार जी, ओ तलंग जांदे पाव सागर तो पार जी। जेड़े कर लेंदे सत गुरु दा दीदार जी, ओ तलंग जांदे पाव सागर तो पार जी। गमा वाले मारे हो ता कदे भी ना सेंदे ने, गमा वाली मारे हो ता कदे भी ना सेंदे ने, तारियां दी छावे में सते गुरु आंदे ने, भगत प्यारियां दा कुंडा खड़कांदे ने। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदाई जय। बहुत सुंदर। ते अखीर ते जिहड़े गमां वाली ते जमां दोनों ही, ना गमां दी मार सहंदे ना जमां दी मार सहंदे। ठीक है, ओके जी, लगाओ ओके। भैन जी। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी जी सदाई, जी थैंक यू। आपकी सदाई। नहीं हो जिंदगी दा कोई विसा, माँ हो के चल ऑनलाइन बंदेरा, पावर ऑफ करके देखता हूँ, ले लो विसा, ग्रेटिट्यूड से थोड़ा ध्यान चल ग्रेटिट्यूड बंदेरा, सदा नीचे अनुरब मेरे पे लगाया ना, अभी उधर से उतर नहीं रहा। गुलाटी साहब थोड़ा म्यूट सॉरी। करके। हाँ थैंक जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया। थैंक यू। सदा नी में अनुरब मिल दा, नीवा होके चल बंदे आ, नहीं हो जिंदगी दा कोई विविसा, नीवा होके चल बंदे आ। माया दे गुमान विच राम नो भुलाई ना, राम नो भुलाई ना, माया दे गुमान विच राम नो भुलाई ना, राम नो भुलाई ना, हीरा जिया जन्म तो मिट्टी च रुलाई ना, मिट्टी च रुलाई ना, हीरा जिया जन्म तो मिट्टी च रुलाई ना, मिट्टी च रुलाई ना, बड़े यत्ना दे नाल मिलदा,
तू नीवा होके चल बंदिया, बड़े जतना दे नाल मिल दा। तू नीव होके चल बंदिया, सदा नीवियां नू रब मिलदा। तू नीवा होके चल बंदिया, नहीं हो जिंदगी दा कोई भी विसा। तू नीवा होके चल बंदिया, नीवा होके चल बंदिया। बंदा या बेमानी मेरे राम जीनू पावे ना, राम जीनू पावे ना। बंदा या बेमानी मेरे राम जीनू पावे ना, राम जीनू पावे ना। काम क्रोध लोभी कदे भगता नू भावे ना, भगता नू भावे ना। काम क्रोध लोभी कदे भगता नू भावे ना, भगता नू भावे ना। तू छड़ दे मो माया, नीवा होके चल बंदिया। तू छड़ दे मो माया, नीवा होके चल बंदिया। सदा नीवियानू रब मिलदा। तू नीवा होके चल बंदिया, नहीं हो जिंदगी दा कोई भी विसा। तू नीवा होके चल बंदिया। दिया पुत्र बहन भाई चार दिन दिया रिश्तेदारियां, चार दिन दिया रिश्तेदारियां। धिया पुत्र बहन भाई चार दिन दिया रिश्तेदार, चार दिन दिया रिश्तेदारियां। अंत वेले छड़ गए ने भर भर तिजोरियां, भर भर तिजोरियां। अंत वेले छड़ गए सब भर भर तिजोरियां, भर भर तिजोरियां। नहीं पैसा तेरे नाल जाना, तू नीवा होके चल बंदिया। नहीं हो पैसा तेरे नाल जाना, तू नीवा होके चल बंदिया। सदा नीवियां नू रब मिलदा। तू नीवा होके चल बंदिया, नहीं हो जिंदगी दा कोई भी विसा। तू नीवा होके चल बंदिया। बोल बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा जय। बहुत प्यारा, थैंक यू जी। हाँ जी, कोमल जी आप बारी लगाएंगे। कोमल जी, जय जय बापू दी। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू जी। सीमा जी, सीमा जी अनम्यूट कर लें, बारी लें। जोगिंदर जी सत श्री अकाल, कोई भी अनम्यूट करे, बारी ले जी, जो भी तैयार है। अच्छा रेखा जी, नहीं तो आप एक और बारी लो जी। ओम बापू नंदा चोर वालिया है आपकी सदा ही जय। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। मैं ता राम जी ते छड़ियां डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैं ता राम जी ते छड़ियां डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे। पार लानगे जी बेड़ा पार लानगे, मैनू किसे दिया नहीं हो लोड़ा, आपे बेड़ा पार लानगे। ओ मैनू किसे दिया नहीं हो लोड़ा, आपे बेड़ा पार लानगे। करे कर विच बापू जोत तेरी जगदी, करे कर विच प्रभु जोत तेरी जगदी। समझ ना आवे मैनू इस झूठे जगदी, समझ ना आवे मैनू
इस झूठे जग दी। मैं ता राम जी नू दुखड़ा सुनावा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैं ता राम जी नू दुखड़ा सुनावा, आपे बेड़ा पार लानगे, पार लानगे जी बेड़ा पार लानगे। मैं ता राम जी ते छड़ियां डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैनू किसे दिया नहीं हो लोड़ा, आपे बेड़ा पार लानगे। लखां दर देखे तेरे दर जिया होर ना, लखां दर देखे तेरे दर जिया होर ना। दर तेरे उत्ते कदे आवे कोई थोड़ ना, दर तेरे उत्ते कदे आवे कोई थोड़ ना। मैं ता चरना च शीश झुकावा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैं ता चरना च शीश झुकावा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैं ता राम जी ते छड़ियां डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैनू किसे दिया नहीं हो लोड़ा, आपे बेड़ा पार लानगे। श्री राम मेरे बड़े परे उपकारी है, जिन्हां ने इशारे नाल दुनिया तारी है। श्री राम मेरे बड़े पारे उपकारी है, जिन्हां ने इशारे नाल दुनिया तारी है। मैं भी राम जी तो भुल बखशावा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैं ता राम जी ते छड़ियां डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे। मैनू किसे दिया या नहीं हो लोड़ा, आपे बेड़ा बेड़ा पार लानगे। मैनू किसे दिया नहीं नहीं हो हो लोड़ा, लोड़ा, आपे आपे बेड़ा बेड़ा पार लानगे। ओम बापू नंदा चोर वालिया, आपकी सदा इच्छा कर दी लग रहा है कि पूरा हुआ है, अब पार। लग रहा है खत्म बाप पूरा हुआ है। तेरा तेरे अकेले भोजन थे ना। कितना दिया, कर दिया मालो मार, बापू ने मुझे इतना दिया। बापू ने मुझे इतना दिया, बापू ने मुझे इतना दिया। बापू ने मुझे इतना दिया, बापू ने मुझे इतना दिया। खुशियों से मेरा घर भर दिया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है। मान सम्मान मुझे इतना दिया है। मान सम्मान मुझे इतना दिया है। अर दिया मालो माल, बापू ने मुझे इतना दिया। कर दिया मालूम मार, बापू ने मुझे इतना दिया। हर मुश्किल का हल दे दिया है, हर मुश्किल का हल दे दिया है। प्रगति का मुझे फल दे दिया है। प्रगति का मुझे फल दे दिया है। हो गई मैं तो निहाल,
बापू ने मुझे इतना दिया, हो गई मैं तो निहार, बापू ने मुझे इतना दिया। कर दिया मालो माल, बापू ने मुझे इतना दिया। दिया माल माल, बापू ने मुझे इतना दिया। बापू ने मुझे इतना दिया, बापू ने मुझे इतना दिया। बापू ने मुझे इतना दिया, बापू ने मुझे इतना दिया। बापू के उपकार बड़े हैं, बापू के उपकार बड़े हैं, हर ज्ञान के भंडार भरे हैं, हर ज्ञान के भंडार भरे हैं। हो गई मैं तो निहाल, बापू ने मुझे इतना दिया। हो गई मैं तो निहार, बापू ने मुझे इतना दिया। कर दिया मालो माल, बापू ने मुझे इतना दिया। दिया मालो माल, बापू ने मुझे इतना दिया। बापू ने मुझे इतना दिया, बापू ने मुझे इतना दिया। बापू ने मुझे इतना दिया, बापू ने मुझे इतना दिया। जगत जंजाल से मुझे छुड़ाया, दास जगत जंजाल से मुझे छुड़ाया, दासी पर ये कर्म कमाया। दासी पर ये कर्म कमाया। ऐसा कर दिया कमाल, बापू ने मुझे इतना दिया। ऐसा कर दिया कमाल, बापू ने मुझे इतना दिया। कर कर दिया दिया मालो मालो माल, माल, बापू बापू ने ने मुझे मुझे इतना इतना दिया। दिया। बापू बापू ने ने मुझे मुझे इतना इतना दिया, दिया, बापू बापू ने ने मुझे मुझे इतना इतना दिया। दिया। ओम ओम बापू बापू नंदा नंदा चोर चोरवालिया वाल्या आपकी आपकी सदा। सदा। जय दादाजी जय। थैंक यू जी। नीलम जी आप जयकारा लगाए। हाँ जी, हाँ जी। ओम बापू नंदा चोरवालिया आपकी सदा आई जय। स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा आई जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा। हाँ सहारा चाहिदा तेरा दोबारा चाहिदा, हाँ सहारा चाहिदा तेरा दोबारा चाहिदा। मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा। मैनू जग देख जानिया दी लोड़ कोई ना, मैनू जग देख जानिया दी लोड़ कोई ना, मेरे बापू दे दरबारे उत्ते थोड़ कोई ना। मेरे बापू दे दरबारे उत्ते थोड़ कोई ना, तेरे दरे उत्तों नाम दा खजाना चाहिदा, तेरे दरे उत्तों नाम दा खजाना चाहिदा। मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा। झूठी दुनिया नू छड़ तेरा दर मल्लिया, झूठी दुनिया नू छड़ तेरा दर मल्लिया, साथों तेरा ये विछोड़ा नहीं हो जांदा चलिया, साथों तेरा ये विछोड़ा नहीं हो जांदा चलिया। मेरी डूबी जांदी नैया नू
किनारा चाहिदा मेरी डूबी जांदी नैया नू, किनारा चाहिदा मैनू इको तेरे नाम दा, सहारा चाहिदा मैनू इको तेरे नाम दा, सहारा चाहिदा जे तू देखन वाली अख दा दीदार पालवा, जे मैं देखन वाली अख दा दीदार पालवा, बापू चरना च रख तेरा प्यार पालवा, बापू चरना च रख तेरा प्यार पालवा, मेरी अखियां नू तेरा ही नजारा चाहिदा, मेरी अखियां नू तेरा ही नजारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, बापू चरना च रख मेरी एहो अरजी, बापू चरना च रख मेरी एहो अरजी, तू है दुनिया दा वाली अगों तेरी मर्जी, तू है दुनिया दा वाली अगों तेरी मर्जी, जिवें रखे उवें करना गुजारा चाहिदा, जिवें रखे उवें करना गुजारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, हाँ सहारा चाहिदा तेरा दवारा चाहिदा, हाँ सहारा चाहिदा तेरा दवारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा आई जय, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा आई जय। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, थैंक यू। हाँ जी सीमा जी नू, सीमा जी अनम्यूट कर ले, जयकारा लगाए। वाह जी वाह। रमेश भैन जी थोड़ी तबीयत के लिए जयकारा लगा के सुनाओ। सत श्री अकाल सब नू, जय बापू जी जी सब नू, जय बापू जी। सुनाओ एक भजन सुनाओ जी। आंटी बोल रहे हैं? नहीं आप बोल रहे हैं, सीमा जी बोल रहे हैं। जय बाबू बोल बांके बिहारी लाल की जय। यमुना दे पानिया तू ठा ठा न मार वे, एंदे बीच लंगना है कृष्ण मुरार वे, यमुना दे पानिया तू ठाठा न मार वे, एंदे बीच लंघना है कृष्ण मुरार वे, देव की दे कुखो जदों जन्म सी लै लिया, देव की दे कुख जदों जन्म सी लै लिया, वासुदेव चुक तेनू टोकरे च पा लिया, वासुदेव चुक तेनू टोकरे च पा लिया, खुल गए ने बूए सारे सोगे पैरेदार वे, खुल गए ने बूए सारे सोगे पैरेदार वे, एंदे बीच लंघना है कृष्ण मुरार वे, एंदे बीच लंघना है कृष्ण मुरार वे, आधी राती वेला कुछ नजर नयामदा, उच्चा पानी वेख वासुदेव घबरामदा, आधी रात वेला कुछ नजर नयामदा, उच्चा पानी वेख वासुदेव घबरामदा, पानी नू तू परे कीता
पैर पसार वे पानी नू तुपरे कीता पैर पसार वे इंदे विच लंघना है कृष्ण मुरार वे इंदे विच लंघना है कृष्ण मुरार वे देव की यशोदा ताई सुने हासी गले आ देव की यशोदा ताई सुने हासी गले आ अगो वासुदेव जी ने बुआ जाके मले आ अगो वासुदेव जी ने बुआ जाके मले आ देव की ते पूरे हो गए कोल ते करार वे देव की दे पूरे हो गए कोल ते करार वे एंदे भी चलंगना है कृष्ण मुरार वे एंदे भी चलंगना है कृष्ण मुरार वे अरिशा तो देव ते भी फुलवर साम दे बज दे नगाड़े सारे मंगल गाम दे पापियां नु मारन ले आया अवतार वे पापियां नु मारन ले आया अवतार वे एंदे विच लंघना है कृष्ण मुरार वे यमुना दे पानिया तू जी ठाठा न मार वे वेंदे विच लंघना है कृष्ण मुरार वे एंदे विच लंघना है कृष्ण मुरार बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये नया भजन था सीमा जी, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ जी, रमेश बहन जी जकारा ला रहे सी। थैंक यू। हाँ जी, हाँ रमेश बहन जी जकारा लगाओ जी, थोड़ी आवाज सुनिए, देखिए कब थोड़ी पूरे भजन सुनने नू मिलेंगे। ओम बापू नंदा चर वाले आए आपकी सदा ही जय। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब तन तन की जय। ओम जय बापू जी। जय बापू जी, थैंक यू। छेती छेती वालों वो जी, संगीता जी हाँ अनम्यूट कर लो, या जुगिंदर जी जो भी तैयार है, एक और रेखा जी भी जुड़े हुए हैं, थैंक यू। हाँ जी संगीता जी, जी किसी और ने हाँ जी सुनाओ लगनी है अभी। जी, सब दी हो गई होगी, तुझे सुनाओ कुछ जी। हाँ आप सुना दो। जी ठीक है बोल मेरे सद्गुरु महाराज की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जी, इसे कार्तिक का मास चल रहा है प्रभु ठाकुर जी की राई दामोदर जी की हर जगह कथा चल रही है तो एक भजन उसके बाद हम गीता पाठ की तरफ जाएंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल ठीक छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच मैं पा नहीं, में मैं तो बजा मेरो रहा हूँ और मदन देखो गोपाल छोटी छोटी गैया ना आगे द्वारा। छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो गान मेरो के मदन उपास गोपाल
काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरुण मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरुण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलो लड्डू गोपाल की जय, राई दामोदर भगवान की जय। आइए साथ संगत जी गीता पाठ की तरफ चलते हैं। कार्तिक मास में गीता पाठ श्रवण करना, गीता पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। प्रभु सभी कष्ट दूर करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु देते हैं। आइए श्रवण करते हैं। हाँ जी हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथाष्टमोऽध्यायः। प्यारी सास संग जी, हम आठवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 20 तक श्रवण किए। आज 20वें श्लोक की तरफ पढ़ेंगे। तो पिछले श्लोकों से थोड़ा सा सारांश लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 18वें और 19वें श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या बताया था, थोड़ा सा श्रवण करते हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने मुखारविंद से यह उपदेश दिया कि मानवीय गणना के अनुसार जब 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। ब्रह्मा जी का एक युग अर्थात ब्रह्मा जी का कल्प ब्रह्मा का एक दिन, जिसमें 4 युग सत्य त्रेता द्वापर कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान धर्म का बोलबाला रहता था, अज्ञान और पाप का एकदम अभाव था। यह युग चला, उसके बाद त्रेता युग जिसमें पाप का प्रारंभ हुआ, द्वापर युग में सदाचार और धर्म का हास हो गया, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, और उसके बाद कलयुग जिसमें कलह अज्ञान अधर्म और पाप की प्रधानता है और सदाचार प्राय लुप्त ही होता जा रहा है। और ये जब चारों युग 1000 चक्र बन जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसी तरह एक रात्रि भी होती है। ये देखने में बहुत लंबा समय लगता है, अत्यंत विचित्र है, ना समाप्त होने वाली गणना लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से ये बिजली की चमक के समय के समान अल्प है। कारणारण्य में असंख्य ब्रह्म अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं।
ब्रह्म तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्म ब्रह्मांड के अंग है। कहने का भाव है कि कितने से बड़ा ही बड़ा क्यों ना हो, समय अवधि एक ना एक दिन वो समाप्त जरूर होती है। उन्हें तुरंत फिर इसलिए भी भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में ही लगे रहते हैं, फलस्वरूप फिर उन्हें मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि जो सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्म लोक भेजा जाता है वो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक है, लेकिन काल क्रम और ब्रह्म लोक के सारे वासी प्रकृति के नियम के अनुसार ही मरणशील होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन के शुभारंभ से सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर रात्रि में पुनः विलीन हो जाते हैं। अर्थात जब जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ये संपूर्ण सारी सृष्टि जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो ये सब उसी में ही विलीन हो जाते हैं। अर्थात दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं, अर्थात मनुष्य का एक चोला खत्म होता है, फिर वो दूसरा धारण करता है, फिर तीसरा, इसी तरह जन्म और मृत्यु चलती रहती है। किंतु रात्रि होते ही, और इस तरह जब समय पूरा हो जाता है तो रात्रि होते ही शरीर विष्णु जी में ही विलीन हो जाता है, अर्थात एक ना एक दिन ये सारी सृष्टि फिर विष्णु जी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मा जी का जीवन अर्थात समाप्त होता ही है, चाहे उसमें करोड़ों वर्ष ही क्यों ना हो। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो परमात्मा का नाम सिमरण करता रहता है, वो इस मनुष्य जीवन का उपयोग सिर्फ परमात्मा की भक्ति में ही करता है। वो नाम सिमरण करते हुए अपना जीवन बिताता है, और इस प्रकार से उसे इसी जीवन में कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है, और फिर वो पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अर्थात उसे बार बार पृथ्वी पर भूलोक पर जन्म नहीं लेना पड़ता, दोबारा कष्ट नहीं सहने पड़ते, वो परमात्मा के चरणों में ही विलीन हो जाता है और मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 20। परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। आगे प्रभु अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य अव्यक्त प्रकृति भी है। एक अन्य स्थान भी है जो शाश्वत है, अर्थात जितने हमें प्रकृति दिखती है उसके अलावा भी एक स्थान है जहाँ हमें वो प्रकृति दिखती है जो प्रकृति अव्यक्त है, हमारी सोच से परे है, वो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ कभी नाश न होने वाली वह प्रकृति है, और जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अर्थात ऐसी हमारी समझ से कल्पना से परे एक ऐसी प्रकृति है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता, वो सर्वदेव रहती ही है। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है, यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि होते हैं उनसे भी परे है, अर्थात यह कृष्ण की ही पराशक्ति है। भौतिक प्रकृति के गुण विपरीत है, परा और अपरा प्रकृति की व्याख्या हमने सातवें अध्याय में की, अर्थात परा जड़ और चेतन की जो प्रकृति है वो अव्यक्त है और वो सदा ही अविनाशी है। अव्यक्तोक्षर्युक्तस्य तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्दाहं परमं मम। जिसे वेदांति अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, भगवान कहते हैं कि वही मेरा परम धाम है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को
चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पार समरणी से निर्मित प्रसादों से युक्त है। अर्थात पारसमणि, विभिन्न प्रकार की पारसमणियां वहां पर है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्प तरु कहा गया है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करती हैं। वहां गौवे भी हैं जिन्हें सुरभि कहा गया है। वहां अत्यंत दुग्ध देने वाली भी हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद और समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। श्री भगवान बंसी बजाते हुए उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षित करता है। उनके नेत्र कमल दल के समान है और उनका शरीर मेघों के समान वर्णन है। वे इतने रूपवान और इतना सौंदर्य हजार कामदेवों को भी मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके गले में माला है और उनके केशों में मोर पंख लगा है। इस तरह भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक का यहाँ पर वर्णन करते हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, हरे नमः। अजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, तारायण बाके बिहारी लाल की जय। मेरे समस्त गुरु साईनाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। आप श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। चौदह जय। थैंक यू नागपाल मामा जी, जुड़ गए ने और उन्होंने टाइम भी हो गया। सरकार जी नवाबपुरी, सरकार जी सुनाओ जी आगे। थैंक यू जी। इन मैं सुनावा? हाँ जी हाँ जी। जोगिंदर जी भी काफी देर दे जुड़े हुए ने। अच्छा देखो नहीं तो गुरु गोबिंद सिंह जी का ज्योति जोत दिवस है आज। हां जी हां जी। वाहगुरु सतनाम। ओके जी बहुत प्रकाश नु मेरा शायद पता होना चाहिए। हाँ जी पता होना चाहिए। मैं भी गुनाहगार हूँ। मैं कथा शुरू करांगे। हाँ जी हाँ जी। और कोई नहीं बुद्ध जी कुछ बोलना चाहते हो? बुद्ध जी भी म्यूट थे ने। जोगिंदर जी सीमा सुनाना चाहती है। सुना दवा? सुना दे। सुनाओ जी। मसे मसे एक छोटी जी कथा है जी, वो सुना देनी है। चलो जो मर्जी सुना दे। एक एक दो भरा होंदे ने, वो जड़ा ना एक बंदा एक जड़ा होंदा वो ते भगवान दा नाम बतेरा लेंदा, दूजा नहीं लेंदा। वो एक साधु कोल जांदा, कहंदा मेरा भरा राम भगवान दा नाम नहीं लेंदा। कहंदे अच्छा ठीक है, फिर उन्दा की करना है? कहंदा तुसी कुछ करो, वो नाम लेना शुरू कर देगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कल पूजा तो बाद तुहाडे घर आवांगा। वो आंदा घर, घर आके ते वो कहंदा जेड़ा ना बुलाओ उहनू। वो बुलांदे ने, वो फिर कहंदा राधे राधे, कहंदा नहीं बोलदा। फिर दोबारा कहंदा राधे राधे, कहंदा नहीं बोलदा। एवें करदे करदे तीन चार बार उहनू बुलांदे ने, लेकिन वो नहीं बोलदा। वो कहंदे फिर सारे लोग जेड़े तुसी घर दे गए हो बाहर चले जाओ। वो बाहर चले जाते हैं, तो जेड़ा साधु होंदा वो उन उत्ते चढ़ के पै जांदा। कहंदा कि बोल राधे राधे। कहना नहीं बोलांगा। फिर कहना बोल राधे राधे, नहीं मैं तेन छोड़ांगा नहीं। और फिर एक बारी वो राधे राधे बोल देंदा, कुछ बाहर आंदा आके कहना उन्हें बोल दिता राधे राधे। कहना कि साढ़े भरा ने बड़ी मुश्किल बोलिया है। और उस तो बाद चार चार पांच महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो उन्हों और यमराज लैके जाते हैं। यमराज लैके जाते हैं तो कहते हैं कि वह खाता खोलो। वो खाता खोलते ने
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਚ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਚ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਚੱਲਣੇ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਮ ਲੋਕ ਚ ਗਏ। ਯਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਚੱਲਣੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨ, ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ। ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਔਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਧੇ 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 ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧੇ ਹਾਂ। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ ਵਾਰੀ ਗਏ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਆਏ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਛੋਟੀ ਕਥਾ। ਸੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਤੀ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। जैसे ये टाइम चल रहा है, कार्तिक को दामोदर मास भी कहते हैं, जैसे पता ही होगा सबको। दामोदर मास, दाम अच्छा मतलब इस महीने में, जैसे पिछले भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था तो अभी इस महीने में उनकी जितनी भी बाल लीलाएं हुए, पूतना वध हुआ या गोवर्धन उनको परिक्रमा हुई, हाँ, और उसके गोवर्धन का उठाना हुआ, कंस वध हुआ, तो जितनी भी बाल लीलाएं हुई वो मोस्टली इसी मंथ में हुआ। और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो दामोदर कथा आती है, मतलब दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब रस्सी। बांधना, हाँ जिसमें भगवान कृष्ण को उनकी माता ने ओखल से बांधने का प्रयास किया। तो बहुत सुंदर इसमें ठाकुर जी की कथा आती है सुनाओ और सुनाओ। सभी सभी जगह होती है। तो कार्तिक के महीने में हमें ये दामोदर कथा जरूर सुननी चाहिए। तो ये श्रवण करते हैं वहां से, जब भगवान कृष्ण सुबह, इसीलिए सुबह सुबह कार्तिक के मास में सुबह सुबह सब पूजा भी करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के उठने का समय होता है, प्रकृति के जागने का समय होता है, ध्यान का समय होता है। हमारे सद्गुरु भी अमृत वेला ही बताते हैं। तो ये उस वक्त की बात है जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे से थे, पलना में झूल रहे थे, और सुबह सुबह प्रकृति का के कम से कम मतलब आज के समय के 3-4 बजे के करीब वो धीरे धीरे अपनी आंखें मलते हुए, काजल भी बिखरा हुआ, वो रोते रोते उठते हैं, मैया मैया कहते हुए उठते हैं। तो सारी सखियां आसपास उनको चुप कराने के लिए आती हैं, पर वो किसी से नहीं चुप होते। वो चुपचाप जाके रोते रोते आंखें मलते मलते, जैसे छोटा बच्चा होता है तो भगवान, लेकिन लीला तो उन्होंने वही वात्सल्य के लिए अपनी माँ माना है, तो वो उसी तरह वात्सल्य ही अपना प्रेम दिखाते हैं अपनी माँ के लिए, और वही वात्सल्य पूर्ण वो उनको भी अपना पुत्र जैसे ही प्रेम देती है। यहाँ भगवान और भक्ति का जो है वो वात्सल्य प्रेम बताया गया है। तो आंखें मलते मलते ऐसे ही जाते हैं, मैया मैया करते हुए उनकी गोदी में जाते हैं। तो उनकी मैया जो है वो दूध रिड़क रही होती है, माखन निकाल रही होती है पानी दस्ती से। तो वो फिर उनको कहते हैं कि देखते हैं कि मैया मुझे नहीं उठा रही है, वो तो और अपना माखन निकालने में व्यस्त है। तो कहते हैं मैया देखो माखन दही प्यारो है या मैं प्यारा हूँ, तो कैसी बात करते हो, नहीं तेरे को माखन प्यारो है कि काना प्यारो है तेरे। तो वो कहते हैं नहीं लल्ला मुझे तो तू ही सबसे प्यारा है। तो वो उनको गोदी में लेती है, फिर वो कहते हैं कि अच्छा आप तूने गोदी में ले लिया तो इसको छोड़ो मुझे दूध पिलाओ। तो माँ उनको फिर अमृत पान कराती है यशोदा मैया, और वो अपना फिर वैसे ही माखन निकालने में व्यस्त हो जाती है। तो
तो फिर वो क्या देखते हैं, अब जो उन्होंने चूल्हे पे दूध रखा होता है तो वो कहते हैं कि प्रभु ने तो अपनी माता से अमृत पान कर लिया, अब ये मेरा सेवन तो नहीं करेंगे। तो उनको कहते हैं कि मेरे इस जीवन का अब क्या लाभ। तो वो चूल्हे पर ही उबल उबल के बाहर आने का प्रयास करते हैं कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। तो निकाल दूंगा जब साली बराडी साहब, सॉरी एक सॉरी सॉरी, कोई तो बात वो दुख को नहीं। लगता है कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर लूंगा, मेरे इस जीवन का क्या फायदा, प्रभु ने तो माता से ही अमृत पान कर लिया। तो वो फिर उबलने का हाँ प्रयास करते हैं और जैसे ही माता की दृष्टि पड़ती है कि दूध उफलने वाला है, वो फटाफट से जैसे है कान्हा जी को बाहर बिठाती है और दूध को बचाने के लिए चली जाती है। फिर कान्हा जी को बड़ा गुस्सा आता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ माँ मैया तुझे दूध प्यारा है कि मैं प्यारा हूं, और मैया ने मुझसे झूठ बोला था, कहने लगी थी कि तू प्यारा है, और देखो अब दूध को बचाने कितनी जल्दी चली गई और मुझे यहाँ छोड़ दिया। तो उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो वो क्या क्या करते हैं, गुस्से में एक लाठी लेते हैं और जितनी दूध वाली मटकियां थी वो सबको फोड़ते चले जाते हैं, जिन जिन में भी माखन भरा था एक डंडे लेते हैं और सब तोड़ते फोड़ते चले जाते हैं। अब मैया पीछे मुड़ के देखती है कि लल्ला ये क्या कर दिया तूने, सारी हाँ मटकियां फोड़ दी, सारा माखन बिल्कुल गिरा दिया। क्या मैया मैंने तेरे से पूछा था कि तुझे दूध प्यारो है, माखन प्यारो है कि तेरा लल्ला प्यारो है, और तूने मेरे को कहा था कि तेरे को लल्ला प्यारो है, फिर भी तू दूध बचाने चली गई। तो उन्होंने कहा ठहर जरा, तू क्या नाम, तूने इतना वो कर दिया, तो जैसे शरारत करते हैं बच्चे वो सब कुछ तोड़ के और जो माखन निकाल रही थी उसको भी सारा खिंडा के और भाग जाते हैं। अब उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि ये कहना नहीं मानता और सारा वो मतलब वो कर देता है, नुकसान कर दिया। तो उन्हें कहते कि तू बहुत शरारती हो गया, नटखट हो गया। तो उनको जो है उनके पीछे पीछे मैया भागती है, भागती रहती है भागती रहती है। अब वो पीछे देखते हैं कि मैया आ रही है कि नहीं, फिर आवाज देते हैं मैया, फिर वो पीछे पीछे भागते हैं। तो वो भागते भागते जब थक जाती है, उनके पसीना आने लग जाते हैं कि इस उम्र में भी तू मुझे इतना दौड़ा रहा है, फिर वो पेड़ के पीछे देखते हैं कि मैया वाकई में थक गई है कि नहीं। फिर उनके पास रहते कहते हैं कि अब तो देख मैं थक गई हूँ, देख पसीना आ गया, मुझे सांस भी चढ़ गई, अब तो तू मेरे पास आ जा, या नहीं मैंने वो मटकी तोड़ी है तो तुम मुझे मारोगी, पहले लाठी फेंको। वो कहते हैं कि लाठी नहीं मैं मारूंगी, उनका नहीं पहले लाठी फेंको, तो आप ये लाठी फेंकोगे तब मैं अपनी मैया के पास आऊंगी। तो उनकी माँ लाठी फेंक देती है, कहती है अच्छा अब तो आ जा मेरे लल्ला, मेरे पास आ जा, अब तुम ऐसी कोई शरारत मत करना। अच्छा अब भगवान आ जाते हैं उनके पास, भगवान कृष्ण अपने नन्हे नन्हे पैरों से उछलते हुए उनकी गोदी में आ जाते हैं। अब उनका मैया का फिर रूप बदल जाता है कि तूने सब नुकसान किया ना, तूने सारे मटकियां फोड़ी, अब मैं तुझे ऐसी ओखल से बांधूंगी कि तू हिलेगा नहीं, तू कोई नुकसान नहीं करेगा। तो भगवान कृष्ण को लेकर खींचते हुए ले जाती है। उन्होंने कहा कि मैया आपने तो कहा था आप मुझे गुस्सा नहीं करोगी। उन्होंने कहा नहीं तूने नुकसान किया तो तुझे सजा तो मिलेगी, ताकि तुझे सबक मिले। तो उनको लेके चली जाती है और फिर जाके वो ओखल से बांधती है। अब वो त्रिलोकी के स्वामी भगवान कृष्ण उनको कौन बांध सकता है, और वो हर बार रस्सी से बांधे और दो उंगल छोटी हो जाए, फिर हर बार रस्सी से बांधे फिर छोटी रह जाए। तो वो क्या करते हैं, फिर कहते हैं ये फिर बड़ी से बड़ी लाई, कितनी ही बड़ी ले आई, लेकिन बार 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 बांधने के प्रयास में हर बार वो छोटी ही रह गई। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने मैया की तरफ देखा कि अब तो वो भी थक गई प्रयास कर करके, तो वो स्वयं ही बंध गए। तो वो लास्ट में अपने आप ही उसमें उसमें गांठ लगी और भगवान कृष्ण उसमें बंध गए। तो मतलब ये इतना प्यारा वृतांत है, तो उसमें और फिर एक होर भी बाद अभी में भी है थोड़ा जहा वरदान, तो हाँ जिसे नाल बंद फिर गई सी वो ना, फिर वो दो दो दरख्त ट्री जेड़े के सी अंदर उन्हां दी हाँ मुक्ति करनी सी, उन्हां दे बैठे उनकी आगे मुक्ति बेरी करनी थी। जी, के पेड़ थे जो, हाँ वो हाँ, तो दो ये रास्ते सब थी। लीला उन्होंने की कि दो उनकी जो थी वो मुक्ति हो गई, दो जो आत्माएं थी वो देवता थे, फिर उनका नाम मैं भूल गई हूँ। तो मतलब इसमें दूसरा हाथ मतलब मिला हुआ। एक जी, तो इसमें छोटे से प्रसंग में बड़ी शिक्षा भी मिली है कि हम जैसे जैसे परमात्मा के पीछे वो मैं भागते प्रेम हैं लीला है तो ना, वो मेरे और पास प्रेम लीला आगे आगे भागते हैं, फिर दसवां हम स्कंध पीछे थी पीछे उसमें उन्हें सुनाया था पकड़ने की मैंने। कोशिश करते हैं, फिर परमात्मा आगे आगे भागते हैं।
क्योंकि हमारे पास अहंकार की लट होती है, क्रोध लालच की हम लाठी लेके बैठे हैं। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो मालिक स्वयं फिर प्रेम भाव से हमारे पास आ जाते हैं। तो अपने जब मन से अहंकार छोड़ देंगे वो बोल इतना कृष्ण भगवान की जय। चीज है, अहंकार बहुत छोड़ देंगे, बढ़िया। अपना लालच छोड़ देंगे, चीजों से आसक्ति छोड़ देंगे, तो परमात्मा स्वयं हाँ जी बिल्कुल दौड़ते हुए हमारे पास आ जाएंगे। बोलो सही बात है। हाँ ठाकुर भाई, जी बोल प्रकाश जी, जय सत्कारदार सारे नु जय बापू जी। लड्डू गोपाल सत्कारदार की जय। तुसी अज ना हो गुरु गोविंद सिंह पढ़ो। जी दा ज्योति जोत दिवसे। हाँ हाँ पूरब। मैं फिर एक शब्द सुना के ना उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह दा ते फिर मैं कथा करदा। ठीक है, और सुनाओ। वाहगुरु जी का खालसा, श्री वाहगुरु जी की फतेह। संगीता जी फिर से करो जरा चुन्नी कर लवो। लगाओ। दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का बानी नहीं देखा। दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का बानी नहीं देखा। वाह कलगी वाले चिड़ियों से तू बाज तुड़ाया, रण में तू 1,25,000 से था एक लड़ाया। वाह कलगी वाले चिड़ियों से तू बाज तुड़ाया, रण में तू 1,25,000 से था एक लड़ाया। सरबंस को कुर्बान किया मजलूस की खातिर, कितने सहे तू दुख, कितने सहे दुख आपने इस धर्म की खातिर। सिफते करूं क्या तुम, सिफते करूं क्या तुम, जैसा दानी नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का बानी नहीं देखा। दशमेश हाँ जी तेरा कोई सानी नहीं नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का बानी नहीं देखा। भाई को देखा सामने जब जूझते रण में, कहने लगे यूं पिता से हम जाएंगे लड़ने। जब प्राण देखिया बड़े नूं लड़ रहे ने, तो वो छोटा कहंदा मैं भी जाना है। उन्होंने कहा तेरे को कितने लड़े जाने, तू छोटा जे अजे। कहना भाई को देखा सामने जब जूझते रण में, कहने लगे यूं पिता से हम जाएंगे लड़ने। भाई से बिछुड़ कर हमें जीना नहीं भाता, लड़ना नहीं तो युद्ध में मरना तो है आता, लड़ना नहीं तो युद्ध में मरना तो है आता। कुर्बान हो इस कदर, कुर्बान हो इस कदर, वो लासानी नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का बानी नहीं देखा। दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का बानी नहीं देखा। ये सुन के लखते जिगर को था पास बिठाया, फिर प्यार किया और छाती से था लगाया। ये सुन के लखते जिगर को था पास बुलाया, फिर प्यार किया और छाती से था लगाया। लो आओ बेटा आओ तुम्हें खूब सजा दें, मरने से पहले तुमको हम दूल्हा तो बना दें। लो आओ बेटा आओ तुम्हें खूब सजा दें, मरने से पहले तुमको हम दूल्हा तो बना दें। फिर दस्ते मुबारक से दस्तार सजाई, छोटी सी तेग छोटी सी कलगी थी लगाई, छोटी सी तेग छोटी सी कलगी थी लगाई। लो जाओ बेटा, लो जाओ
बेटा युद्ध में यूं तेग चढ़ाना, दुश्मन हो फौत दंग रह जाए जमाना, दुश्मन हो फौत दंग रह जाए जमाना। रुखसत किया फरजंद को फिर थापड़ा देकर, रुखसत किया फरजंद को फिर थापड़ा देकर, जा में शहादत पियो और जा दी जो धर्म पर। सिफते करूं क्या तुझ जैसा दानी नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का बानी नहीं देखा। दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं देखा, कुर्बानियों के पंथ का बानी नहीं देखा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। वाह जी, सारा सीन सामने आ गया। किले हां जी, मैं कथा चमकौर साहब का। हां जी कथा सुनाओ जी, सुनाओ। वाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जय बादशाह वाह सरबंस दानी वाकई नहीं देखा। कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ। 70 नंबर माई सरखाना जी दी कथा। मान सरोवर हंसला खाए मानक मोती, कोयल अंब प्रीत है मिठ बोल सरोती, चंदन वास वनस्पति हुए पास खलोती, लोहा पारस बेटी है हुए कंचन ज्योति, नदियां नाले रंग गंग मिल होन छोत अछोती, पीर मुरई दा पेर पिरहड़ी ए खे पस्योती। ये भाई गुरदास जी ने बाणी विच लिखा है। अज की दुनिया विच प्यार ते शरदा दियां बेअंत साखियां हन, गुरु घर दे विच अणता अणगिणत सिख होए हन, जिन्हां ने गुरु चरणा नाल ऐसी प्रीति कीती है जिस दी मिसाल होर धर्मां विच घट ही मिलती है। ऐसी प्रीति की व्याख्या करदे होए भाई गुरदास जी फरमाउंदे हन कि सिख गुरु नाल ऐसी प्रीति करदे हन जिवें मान सरोवर दे हंस मोतियां नाल प्यार करदे हन, भाव मोती खांदे हन। कोयल दा प्यार अंबां नाल है ते उहनां दे वैराग विच मिठे गीत गाउंदी रहिंदी है। चंदन की सुगंधी नाल सारी वनस्पति झूम उठती है, लोहा पारस नाल मिलके सोना हो जाता है, नदियां ते नाले गंगा नाल मिलके पवित्र हो जाते हैं। अंत विच भाई साहब आखते हैं सिखां दा प्यार ही उहनां दी पवित्रता रास है पूंजी है, उहनां दी रास पूंजी जिहड़ी है पवित्रता ही रास पूंजी है। जदों इतिहास नूं वाचीए तां माई सरखाना दा नाम आउंदा है। आप गुरु घर दे विच बड़ा सत्कार प्राप्त कर चुकी सी, उसने प्यार दी कथा बड़ी श्रद्धा दर्शाउण वाली है। ओ प्यारी दीवानी श्रद्धालु ते अमर आत्मा हुई जिसका जस अज भी गाया जाता है। किसे गुरु घर गुरु सिख पासों माई ने गुरु घर की शोभा सुनी, उस वेले बुढ़ेपा नेड़े सी ते जवानी दूर जा चुकी सी, धियां पुत्र व्याह गए सन, जिम्मेवारियां सिरों टल चुकियां सन, उसनू हुण जन्म मरण दे गेड़ दा ज्ञान हो गया सी, पर ये नहीं सी पता लगता कि 84 का गेड़ा मुकदा किवें सी। गुरसिख ने माई सरखाना नू गुरसिखी का ज्ञान कराने होया ये शब्द पढ़िया। मन मंदर तन वेस कलंदर घाठी तीरसनावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बोर जन्म ना आवा। एक गुरबाणी च शब्द है जेड़ा उन्होंने पढ़िया। मन मंदर तन वेस कलंदर घाठी तीरसनावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बोर जन्म ना आवा। ये शब्द जो हिरदे विच वसदा है वह शब्द सतगुरु जी पासों प्राप्त होंदा है। सतगुर त्रैकाल दर्शी सन, सतगुर नानक देव जी की गुरु गद्दी उत्ते छेवें पातशाह हन, मीरी पीरी के मालक उन्होंने याद कर, उन्होंने चरणा नाल लिव ला, मन में श्रद्धा धारण कर, चंगा मैं श्रद्धा करांगी, मैनू दस सेवा वास्ते बेटा की रखांगी। जदों दर्शन करा माई सरखाना ने पूछा सी, गुरसिख सतगुरु जी प्रीत ते श्रद्धा चाहते हैं, कार बेटा जो सरे कर बेटा जो सरे, पहुंच तो उपर कुछ नहीं मंगते।
ਇੱਕ ਟਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਭਿਅੰਤ ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉਂ ਸਦਵਾਇਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉਂ ਸਦਵਾਇਆ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ, ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਸਰਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਚੁਣੀ, ਕਪਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਵੇਲੀ ਤੇ ਮੁੜ ਰੂੰ ਪਿੰਜਾਇਆ। ਰੂੰ ਪਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕੱਤਦੀ ਰਹੀ। ਰੂੰ ਕੱਤਿਆ ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਹੱਥੀਂ ਚਾਦਰਾ ਸੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਪਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਦਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚਾਦਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਉਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾ ਰਹੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗ ਖਿਲਾਰਦੀ। ਮਾਈ ਸਰਖਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ। ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਲਾਇਆ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈ ਸਰਖਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ। ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਰਲਾਇਆ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। 4-5 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਖੱਦਰ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਖੰਡ, ਘਿਓ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਪਰੌਂਠੇ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਣ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਅਟਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦਿਆਲੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸਰਖਾਣਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ, ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀ ਸਨ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਮਾਈ ਸਰਖਾਣਾ ਨੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕੰਗਾਲਣ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਂ? ਭੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਖੜੋਤੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਸਰਖਾਣਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਹ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਦਾਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਮਾਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਈ, ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਹਵਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਡੁੱਲਦੇ ਨੈਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰੌਂਠੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਛੰਨਾ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਕੱਢੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਲਏ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾਲ ਮਾਈ ਸਰਖਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਈ ਸਰਖਾਣਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਪਧਾਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸਰਖਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਸਰਖਾਣਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਸਰਖਾਣਾ ਪਿੰਡ ਮਾਲਵੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਰਖਾਣਾ ਸਹਿ ਤੋਂ ਹੈ? ਸਰਖਾਣਾ ਸਾਹ ਤੋਂ, ਸਹਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਖਾਣਾ, ਸਰਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈਗੀ ਤਰਖਾਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਹ ਸਰਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਰਖਾਣਾ, ਸਰਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਖਾਣਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਰਖਾਣਾ। ਵਾਹ, ਸਰਖਾਣਾ। ਭਾਈ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਮੰਨੇ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾ ਰਹਿ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੇ ਤਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨਾ ਭਿੱਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸਾਥ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੈਦਿਆ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਦਿਆ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦਿਆ ਹਕੀਮ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ 52 ਕਵੀ ਸਨ। ਆਪ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਆਏ, 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਹੇ ਸੁਜਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਦ ਹੈ,
ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਦੂਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਦੌੜ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਦ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੌੜ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ। ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਉੱਠ ਤੁਰ ਨੱਸਿਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੌੜਨ ਦੌੜਨੋਂ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਸੀ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਗੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਮੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਉਸਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਸਨ, ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਹੋਸ਼ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਲ ਮਰਦ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਆਪਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਹਾਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਮੈਂ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਜਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੋ ਹਕੀਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ, ਹੁਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈ। ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਜਵਾਨੋ ਆਖੀ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਖਲਾਈਂਦੀ ਰਹੋ ਇਹ ਕਹੀ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਮਾਈ ਘਰ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਵੈਦ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਜਵਾਨੋ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦਾ ਤਾਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਦ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੰਨ ਮਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਲਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਫ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਏ ਗਏ ਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਸਤਰੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ, ਅਮੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਯਾਤਰੂ ਬਹੁਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਚੰਦ ਦੀ ਗਾਲ ਥਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਿਰਦਾ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਹਵਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਭਾਗ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਮਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੱਸ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਧਾਹ ਮਾਰੀ, ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨੱਸੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀ,
मेरी नौ नू सूल हो गया हो रहा है सूल हो रहा है, उसकी जान बचा, वो आफर आफर गई है, गरीब उते दस कर चल सतगुर तेरा भला करे छेती तुर। जैसे वो उधर तो डिगदा पिया सी महाराज जी नू, उधर आ गई माई कि कभी मेरी नौ तकलीफ होगी तो तू जल्दी चल के हम ठीक आफर हो गया। भाई सुजान अगे मुश्किल आ खड़ी हुई, एक पासे रोगी कुरला रहा है, दूजे पासे कलगीधर पिता जी आ रहे हैं, गुरु जी के दर्शन करने भी जरूरी हैं, पर रोगी नू भी छड़िया नहीं जा सकता, जे बुढ़ी दी नू मर गई तो हत्या का पाप भागी भाई जो सुजान होवेगा। उसकी आत्मा ने आवाज दिती, भाई सुजान क्यों दो चिती विच पिया है, रोगी की सेवा कर, तेनू रोगी की सेवा कर, तेनू सेवा करन वास्ते दाते ने हुक्म किया है, उस प्रीतम का हुक्म है, गुरु परमेश्वर दे दर्शन लोक सेवा विच हन। उस वेले सुजान दवाइया का झोला चुक के माई दे घर नू नठ दिता। मन विच आवाज आई, मन चो आवाज आई कि जे ओ मर गई नौ दी डेथ हो गई तो मैनू लगूगा, ओ फटाफट झोला चक गया। उस वेले सुजान दवाइया का झोला चुक के माई दे घर नू नठ दिता। लोग उत्तर वाल नठे जा रहे सन, भाई सुजान दक्षण वाल जा रहा सी जिधर वो बीमार सी, लोगों नू गुरु दर्शन करन दी तांग सी ते भाई सुजान नू रोगी दी हालत देखन दी काल सी। लोग गुरु जी कोल पहुंच गए पे ते भाई सुजान माई दे घर अपड़ पिया, उसने जाके माई दी नूह नू देखिया, वो सचमुच घड़ी पल दी प्राणी सी, दवाइयां घोल के पिलाईयां, वैदिक असूलों अनुसार सांभण वास्ते हदायतां दित्तियां, पर पूरा घंटा लग गया, रोगन खतरे तो बाहर हो गई, उन्हें अफरेवा मठा हो गया, सूल दी दर्द नरम हो गई। भाई सुजान दी दवाइयां दे के वापस मुड़े, काली काली मुड़े की देखते हैं कि उसकी कखा की कुली अगे लोगों की बहुत भीड़ है, घोड़ सवार खड़ोते हैं, सारा पिंड इकट्ठा होया है, भाई सुजान भीड़ नू चीर के अगे लंघ गया, झुग्गी दे अंदर वड़ के देखता है कि की है कि सच्चे सतगुर नीले ते सवार सच्चे बादशाह गरीब दी सफ उत्ते बैठे हैं, बैठे हुए छत वाल तक रहे हैं। वाह, ओम गुरु हरगोविंद साहब महाराज आपकी सदा वाह, छत वाल तक रहे हैं, जानदा ही भाई सुजान सतगुरु जी दे चरण चंद कमलों उत्ते दड़ करदा डिग पिया, अखां विच खुशी दे हंझू आ गए, चरण घुट के बेनती कीती, टोजी प्रीतम दाता मेहर कीती, जे गरीब दी कुली विच पहुंच के गरीब नू दर्शन दिते, जे मेरे धन भाग भाई सुजान निहाल, सच्चे सतगुरु जी ने वचन कीता, सचमुच तू गुरु नानक देव जी दा सिखी नू समझिया है, गरीबां दी सेवा कीती है, इहो सच्ची सिखी है, उठ हुण श्री आनंदपुर साहब नू चल, असीं तैनूं लैण वास्ते आए हां, गुरु दे वचनां नूं मनना सिख दा धर्म है, परम धर्म है। उस वेले उठ के भाई सुजान सिंह गुरु जी दे नाल तुर पिया ते श्री आनंदपुर पुज्जा, गुरु जी ने आप नूं अमृत छका के सिंह सजा दिता, नाम सुजान सिंह रखिया, लाहौरों परिवार भी मंगवा लिया, परिवार नूं भी अमृत छकाया गया, सारा परिवार भाई सुजान सिंह नूं मिल के बहुत खुश होया। भाई सुजान सिंह दी धर्म पत्नी जिसने कई साल पति दा विछोड़ा झल्लिया ते पति दे हुक्म विच सती समान रही, उहदे हिरदे नूं कौन जाण सकदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वाह जी वाह, बहुत सुंदर सुनाए। पढ़ते पवित्र होए, सुनते पवित्र होए, जे तेरा नाम दयालिया, वसे वैकुंठ परम गत पावे, हरि गंगा दा नाम दयालिया।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੱਟੂ ਤਬਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਤੋਂ, ਸੁਣੀਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨਮਿਊਟ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਮਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੇ, ਨਾਥ ਨਾਰਾਇਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੇ, ਨਾਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਵੀਨਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾ ਦਿਓ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਆਪੀ ਸਦਾ ਮੇਹਰਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਐਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਮੇਹਰਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਗੋਲਬਨ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਲਾਕੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਾਮਾ ਰੁਖੀ ਮੇ ਸਿਖਾਰੀ, ਗੋਲਾ ਬਨ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਲਾਕੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਾਮਾ ਮੈਂ ਰੁਖੀ ਮੇ ਸਿਖਾਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਐਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਐਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਐਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਟਾ ਹੋਵੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਟਾ ਹੋਵੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਜੁਗਾ ਤਾਈ ਨਲ ਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪੀਤ ਜਾਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੀਤ ਜਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਐਨਾ ਤੂੰ ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਐਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ,
तू है ना मैनू प्यार दे, है ना मैनू प्यार दे। बंदे दी तनी ते हो सोचदा जीव है, लखां दा मालक पर दिल दा गरीब है। बंदे दी तनी ते हो सोचदा जीव है, लखां दा मालक पर दिल दा गरीब है। दिलों में अमीर होवां, दिलों में अमीर होवां, तू ऐसा इकरार दे मैं दुनिया नू भुल जावा। तू ऐना मैनू प्यार दे, मेहरा वाला हाथ रख, जीवन सवार दे दुनिया नू भुल जावा। ऐना मैनू प्यार दे, ऐना मैनू प्यार दे। और अगे शीश मेरा पुल के न झुक जाए, और अगे शीश मेरा पुल के न झुक जाए, तू ही सब कुछ मेरा इथे गल मुक जाए, तू ही सब कुछ मेरा इथे गल मुक जाए। मर जानी दासी नू, मर जानी दासी नू, तू रखी भावे मार दे मैं दुनिया नू भुल जावा। ऐना मैनू प्यार दे, मेरा वाला हाथ रख, जीवन सवार दे मैं दुनिया नू भुल जावा। ऐना मैनू प्यार दे, ऐना मैनू प्यार दे। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी भगवान सदा ही जय। ओम जय, शहंशाह झंडे की सदा ही जय। जय वाह बापू जी, जय बापू। वाह, बड़ी सुंदर अरदास। हाँ ऐना मैनू प्यार दे, दुनिया नू भूल जावा। ऐना मैनू प्यार, हाँ जी, मेहरा ओम वाला हाथ चोर बापू वाले आपकी आपकी सदा ही जय। कलयुग चलाया वो तारे हो गया संत स्वरूप बंदर। कलयुग चलाया वो तारे हो गया संत स्वरूप बंदर। दुखी बेवा उसे तेरा उपकार हो गया संत स्वरूप बंदर। दुखी जीवा उसे तेरा उपकार हो गया संत स्वरूप बंदर। नूरी जोत जगत प्रगट आई, नूरी जोत जगत प्रगट आई, तेरे लोक विच दम मचाई मचाई, कोने कोने विच कोने कोने विच तेरा प्रचार हो गया संत स्वरूप बंदर। कोने कोने विच तेरा प्रचार हो गया संत स्वरूप बंदर। कलयुग विच तेरा तार हो गया संत स्वरूप बंदर। बैठा नाम दे भंडारे तू खोल के, बैठा नाम दे भंडारे तू खोल के, दिल में शरदा के प्रेम नाल तोल के, दिल में शरदा के प्रेम नाल तोल के। प्रेमा भक्ति वाला, प्रेमा भक्ति वाला सच्चा प्यार हो गया संत स्वरूप बंदर। प्रेमा वाह 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 वाह, भक्ति वाला सच्चा प्यार हो गया संत स्वरूप बंदर। कलयुग विच तेरा अवतार हो गया संत बंदर। शोभा सोने के ते लोक छनी आंदे, शोभा हाँ सोने के ते लोक छनी आंदे, हाँ आंदे, पाके दर्शन ते खुशियां मनाउंदे, हम आंदे। झलक पांदे आई, झलक पांदे आई,
मन ठंडा थाल हो गया स्वरूप झलक पांडे, मन ठंडा थाल हो गया स्वरूप कल युग तेरा अवतार हो गया स्वरूप बसंदासी जय बलिहारी, बसंदासी जले बलिहारी, जिन्हें डुबनी दुनिया तारी, जिन्हें डुबनी दुनिया तारी, निराकार प्रभु निराकार प्रभु आप साकार हो गया संस्वरूप, निराकार प्रभु आप साकार हो गया संस्वरूप, कल युग से तेरा अवतार हो गया संस्वरूप, दुखी जीवन उते तेरा उपकार हो गया संस्वरूप, दुखी जीवन उते तेरा उपकार हो गया संस्वरूप, कोने कोने वैसे तेरा पर चार हो गया संस्वरूप, कोने कोने वैसे तेरा पर चार हो गया संस्वरूप, पाके दर्शन ते मन ठंडा चार हो गया संस्वरूप, पाके दर्शन ते मन ठंडा चार हो गया गुरु स्वरूप, ओम बापू नंदा सौर वालिया आपकी सदा, ओम बापू सरदार राम जी महाराज जी महाराज आपकी सदा। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बड़े बहुत सुंदर वासी, पहले बहुत सुंदर भजन जी, बचपन ही सुनते होंगे ये वाला भजन। हां जी, ते हुण बलजीत कौर जी भी आ गए ने। बलजीत कौर जी सत श्री अकाल, वेलकम बैक, कदे कदे दर्शन देंदे ने, ठीक हो ते अनम्यूट कर लो अपना, अनम्यूट कर लो ते हुण गा दिओ, तुसी गा दिओ, बेबी जी गा दें, तुसी गाओ जो भी तैयार है तुसी गा। सत श्री अकाल बलजीत जी, थोड़ा जा फोन थले करो या आप ऊपर, आप थोड़ा, हां मैं ठीक कर रही हूं, ठीक कर रही हूं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गए हूँ, ठीक है। सत श्री अकाल जी सारे, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, सदा रहिए तेरे चरणा दे कोल वेले अमृत दे, सदा रहिए तेरे चरणा दे कोल वेले अमृत दे, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, अमृत वेले विश्वनान जी ऐसी करो दया विसरे ना नाम जी, अमृत वेले उठ कर विश्वनान जी ऐसी करो दया मैनू विसरे ना नाम जी, सानू रख चरणा दे कोल वेले अमृत दे, सानू रख चरणा दे कोल वेले अमृत दे, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, सचखंड वसदा सोना निरंकार जी,
सचखंड वसदा है सोना निरंकार जी, कर कर वेखदा है नदर निहाल जी, मेरे मन दे द्वारे खोल वेले अमृत दे, सदा रहिए तेरे चरण दे कोल वेले अमृत दे, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, अपना बना लो मैनू दरों ठुकराना, अपना बना लो मैनू दरों ठुकराना, किरपा निदान दाता दूसरा दिखाना, किरपा निदान दाता दूसरा दिखाना, मैनू पै ना नी दर्दी जोर वेले अमृत दे, मैनू पैना नींदर दी जोर वेले अमृत दे, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, अमृत दाता तू है कोट ब्रह्मंड दा, अमृत दाता तू है कोट ब्रह्मंड दा, अमृत पिला दे मैनू नाम दे रंग दा, अमृत पिला दे मैनू नाम दे रंग दा, देओ जीवन दे विच रस गोल वेले अमृत दे, देओ जीवन दे विच रस गोल वेले अमृत दे, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सदा रहिए तेरे चरणा दे कोल वेले अमृत दे, बख्शे दाता वड्डा तेरा दरबार जी, बख्श दे दाता वड्डा तेरा दरबार जी, पातशाह अपरंपार जी, ओ मेरे संग तेरा नाम अमोल वेले अमृत दे, मेरे संग तेरा नाम अमोल वेले अमृत दे, मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल वेले अमृत दे, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाह जी वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, थैंक यू शुक्रिया जी सारा ना। हाँ जी बलदेव जी बहुत सुंदर, जय हो। हाँ जी नेक्स्ट बेबी गुंबर तो सुन लो जी, जय सतगुरु देव महाराज की जय। उस ना जावी सतगुरु मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे, उस ना जावी सतगुरु मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे, सुना जामी सतगुरु मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे,
चंगे बर्तन माड़े असी हाँ तेरे, चंगे माड़े असी हाँ तेरे, माफ तू कर दे अगन मेरे, माफ तू कर दे अगन मेरे, हाथ रवे तेरा सिर ते मेरे, हाथ रवे तेरा सिर ते मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे, रुसना जामी सतगुरु मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे, अपने पराए ताने मार दे, अपने पराए ताने मार दे, वास्ते तैनू मेरे प्यार दे, वास्ते तैनू मेरे प्यार दे, अपना बना ले प्रीतम मेरे, अपना बना ले प्रीतम मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे, सुना जावी सतगुरु मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे, तू रुसिया ते मैं किस दर जावा, तू रुसिया ते मैं किस दर जावा, हाल दिलांदा मैं किस नू सुनावा, हाल दिलांदा मैं किस नू सुनावा, कौन सुनेगा दुखड़े मेरे, कौन सुनेगा दुखड़े मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे, सुना जानी सतगुरु मेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे, मैं तुद बिन जीना कादा जीना, तेरे बिन जीना कादा जीना, तेरे बिन मरना कादा मरना, तेरे बिन मरना कादा मरना, तेरी याद बिना जो दिन बीते, तेरी याद बिना जो दिन बीते, तेरी याद बिना जो दिन बीते, मेरी नींद जावे दर ते तेरे, मेरी नींद जावे दर ते तेरे, मेरा जीवन सहारे तेरे,
ਦੁਸਨਾ ਜਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਓਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਜੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਕੀ ਜੈ बहुत अच्छा चालू जी कर लो आलमी आउट इस बार रजनी जी ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय जय बापू दी सारी संगत जय बापू दी देखो किन्ने सोने ने दीदार मेरे सतगुरु दे खुशियां दे भरे ने भंडार मेरे सतगुरु दे देखो किन्ने सोने ने दीदार मेरे सतगुरु दे खुशियां दे भरे ने भंडार मेरे सतगुरु दे आओ जी आओ मिल दर्शन करिए जन्म मरण दे दुख सब हरिए आओ जी आओ मिल दर्शन करिए जन्म मरण दे दुख सब हरिए रूप होए ने सकार मेरे सतगुरु दे रूप होए ने सकार मेरे सतगुरु दे देखो किन्ने सोने ने दीदार मेरे सतगुरु दे आओ नियो मिले आरती गा ये आओ नियो मिले आरती गा ये पूरण सतगुरु देव मनाये पूरण सतगुरु देव मनाये रज रज पावा मैं दीदार मेरे सतगुरु दे रज रज पावा मैं दीदार मेरे सतगुरु दे देखो किन्ने सोने ने दीदार मेरे सतगुरु दे आओ नी आओ मिल करिए सेवा प्रेम भक्ति दा पाये मेवा आओ नी आओ मिल करिए सेवा प्रेम भक्ति दा पाये मेवा फुल जान मुक्ति दे द्वार मेरे सतगुरु दे फुल जान मुक्ति दे द्वार मेरे सतगुरु दे देखो किन्ने सोने ने दीदार मेरे सतगुरु दे आओ नियम मिल सिमरण करिए नाम खजाना झोली विच भरिए आओ नियम मिल सिमरण करिए नाम खजाना झोली विच भरिए सूरत रखो चरणद नाल मेरे सतगुरु दे सूरत रखो चरणांद नाल
मेरे सतगुरु दे देखो किन्ने सोने ने दीदार मेरे सतगुरु दे आओ नीना गुरु वचना नु सुनिए एक एक वचना नु दिल नाल मनिए आओ नीना गुरु वचना नु सुनिए एक एक वचना नु दिल नाल मनिए सत्संग गुरु सब सार मेरे सतगुरां दे सत्संग गुरु सब सार मेरे सतगुरु दे देखो किन्ने सोने ने दीदार मेरे सतगुरु दे प्यारे गुरां दा शुकर मनाइए अपने गुरां तो वारी वारी जाइए प्यारे गुरां दा शुकर मनाइए अपने गुरां तो वारी वारी जाइए रल मिल गाइए मंगला चार मेरे सतगुरु दे रल मिल गाइए मंगला चार मेरे सतगुरु दे देखो किन्ने सोने ने दीदार मेरे सतगुरु दे खुशियां दे भरे ने भंडार मेरे सतगुरु दे ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी आपकी सदा ही जय। बहुत सुंदर जी खुशियां दे भरे ने भंडार वाह जी वाह अरदास भी की नागपा जी ने तेरे लिए सारे अर्जड़ी अरदास की साडे कवर भी नहीं किया पर भजन गा देने ठीक है वाह 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 छोटी छोटी गई बचपन स्टेज नहीं चलो छोटी छोटी गई गाता आ बोलते हैं की ना है गोल बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय वो पढ़ते हैं यशो मती मैया से बोले से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला बोली मुस्काती मैया ललन को बताया बोली मुस्काती मैया ललन को बताया कारी अंधियारी आधी रात में तू आया लाडला कन्हैया मेरा हो It's a water soda, have a seat. लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला
इसीलिए काला जो मती महिया से बोले नंद लाला राधा गोरी मैं तू काला आपा उगा दें हाँ बहुत बांके बिहारी लाल की जय गुरु नानक देव जी की आ रही बई है जेड़ा 15 तारीख न वैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अज दिन है अज उन्हों ज्योति ज्योत पुरब है अपने को असि बहर है गया हूँ सिर कवर करना है नहीं तो आप गाँव के मित्र प्यारे फिर आप गाने कल गाने हूँ वह साढ़े तो वेड़े जाने बापू जी हैप्पी बर्थडे बेटा गॉड ब्लेस यू बेटे गॉड ब्लेस यू बच्चा हैप्पी बर्थडे दीप सॉरी सॉरी मैं कल काम ते सीगा ते मेरे को एक्सेस नहीं दिसका फोन दा कोई बात नहीं बेटा गॉड ब्लेस यू बेटे थैंक यू वाह जी चलो बॉस थैंक यू फॉर धन्यवाद सर विशेष कितनी अरदास कितनी ताकत था नानक वाला मैं बोल रहा बहुत बेस्ट नानक वाला मैं बोल रहा हाँ तो ठीक आओ क्यों सर हाँ जैसे नारे सर भी कवर भी कर लें ठीक है बहुत बढ़िया साढ़े दस वेड़े चांज है नानक बुलाई है गुरु नानक हाँ ये तो बलजीत जी भी बड़ा बलजीत जी तो तुम मिल के गाओ अदा है ना मतलब पैज गान के हाँ जी गाओ जी ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਈਏ ਸਾਚਾ ਸੁਣਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨੂਰੀ ਲਾਈਏ ਸਾਚਾ ਸੁਣਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨੂਰੀ ਲਾਈਏ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾੜਿਆ ਤੇਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਜਰਾ ਬਈ ਲਾੜਿਆ ਤੇਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਜਰਾ ਬਈ ਅਸਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਅਸਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਤੇ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਤੇ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰਦਾ ਸਾਗਰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਈ ਕਾਲੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਈ ਸੇਵਾ ਲਾੜਿਆ ਸੇਰਾ ਹਰਸ਼ਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੇ ਮਿੱਠੇ ਸੂ ਬੋਲ ਡਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੈਣ ਵੇ ਮਿੱਠੇ ਸੂ ਬੋਲ ਡਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੈਣ ਵੇ ਨਾਂਬੇ ਦੇ ਨਾਨਕੀ ਆਈ ਵੇ ਲਾੜਿਆ ਸੇਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁੰਡਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਗ ਵੀ ਯਾਰ ਨੀ ਯਾਰ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰ ਤੇਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਦਰਬਈ ਚਾਜਰ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਲਾੜਿਆ ਚਾਜਰ ਦਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਾ ਲਾੜਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਈ ਲਾੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਲਾੜਿਆ ਤੇਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾੜਿਆ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿਠਾਇਆ ਸਾ ਨਹੀਂ
भगवान सतगुरु महाराज की जय। हे गुरु नानक गोरिए, गुरु नानक जी जब आपका रिया जी रोटी खान जाने तो सालियां बोलियां ने बजे। हां जी बहुत सुंदर मसी जी। हां और सिठणियां देंदी है ना जी। हां जी ससुराल ते। हां जी लगाओ जी। रजनी रजनी जी बोलना है। गाओ जी गाओ। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। मैं बधाई दा बोलूंगी एक। बोलो बोलो। खुशियां दी कड़ी अज आई बापू जी। खुशियां दी कड़ी अज आई बापू जी। साडे वालों लख लख वधाई बापू जी। जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी। खुशियां दी कड़ी अज आई बापू जी। साडे वालों लख लख वधाई बापू जी। जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी। रहमतां दा मीं बरसाया बापू ने। सुत्ता होया पाग जगाया बापू ने जी जगाया बापू ने। खुशियां दी वजह शहनाई बापू जी। साडे वालों लख लख वधाई बापू जी। जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी। बेड़े विच साडे अज रौनका निशाइयां। बापू कीती रहमत शुभ कड़ियां आईयां जी शुभ कड़ियां आईयां। बेड़े विच साडे अज रौनका निशाइयां। बापू कीती रहमत शुभ कड़ियां आईयां जी शुभ कड़ियां आईयां। दिल वाली आस पचाई बापू जी। साडे वालों लख लख वधाई बापू जी। जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी। चरना दे नाल सदा लाई रखना। रहमत बापू जी बनाई रखना जी बनाई रखना। चरना दे नाल सदा लाई रखना। रहमत बापू जी बनाई रखना जी बनाई रखना। तेरे नाल जिंद रुशनाई बापू जी। साडे वालों लख लख वधाई बापू जी। जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी। कर परिवार दी तू करी रक्षा। दिल वाला हाल बापू तेनू दसता जी तेनू दसता। कर परिवार दी तू करी रक्षा। दिल वाला हाल बापू तेनू दसता जी तेनू दसता। खुशियां दा मीं बरसाई बापू जी। साडे वालों लख लख वधाई बापू जी। जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी। खुशियां दी कड़ी अज आई बापू जी। साडे वालों लख लख वधाई बापू जी। जय बापू दी जय बापू दी
जय बापू दी, जय बापू दी। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी आपकी सदा ही जय सदा जय। सदा ही जय। बहुत बहुत मुबारक दीप बेटे नु, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सारे। राम राम जी। मैं राम बोलूँ थैंक यू। हाँ जी हाँ जी बोलो जी बोलो। तो राम राम जी सभी को। राम राम जी। राम 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 जी। बारे का मुबारक दिन खुशियां दा आया है। मुबारका दिन खुशियां दा आया है। खुशियां दा आया है ते खुशियां ले आया। खुशियां दा आया है ते खुशियां ले आया है। नाले नचो नाले गाओ नाले खुशियां मनाओ। अज गुरां दा दर्शन पाया है। मुबारका दिन खुशियां दा आया है। खुशियां दा दिन अज जी खुशियां दी रात है। खुशियां दा दिन अज खुशियां दी रात है। खुशियां दी अज हो रही बरसात है। खुशियां दी अज हो रही बरसात है। नाले नचा नाले गावा नाले खुशियां मनावा। मेरे गुरां ने फेरा पाया है। मुबारका दिन खुशियां दा आया है। मुबारका दिन खुशियां दा आया है। खुशियां दा आया है ते खुशियां ले आया है। खुशियां दा आया है ते खुशियां ले आया है। नाले नचे नालो गाओ नाले खुशियां मनाओ। मैं ता गुरां दा दर्शन पाया है। मुबारका दिन खुशियां दा आया है। आया अज कड़िया नसीबा वालियां। आया अज कड़िया नसीबा वालियां। चुके होए फुला उते छाया लालियां। चुके होए फुला उते छाया लालियां। असी मौजा बथेरिया नाले खोलिया नजारा। मेरे गुरां ने फेरा पाया है। मुबारका दिन खुशियां दा आया है। आज मेरे घरे मेरे गुरु आए ने। आज मेरे घरे मेरे गुरु आए ने। प्यासियां दी प्यास बुझावन आए ने। प्यासियां दी प्यास बुझावन आए ने। नाले नचा नाले गावा नाले खुशियां मनावा। असा गुरां दा दर्शन पाया है। मुबारका दिन खुशियां दा आया है। मुबारका दिन खुशियां दा आया है। बोल बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही बोलो उच्चिया मंदरा वालिया बापू आपकी सदा ही जय। बहुत सुंदर सुनाया जी बहुत सुंदर। कांता जी सुनाओ तुसी ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय। सारी संगत को जय बापू। मिलकर खुशी मनाए हम आज दिन खुशियों वाला आया है। मिलकर खुशी मनाए हम आज दिन खुशियों वाला आया है। झूमे नाचे गाए हम आज दिन खुशियों वाला आया है।
आज दिन खुशियों वाला आया है, झूम रहा है गगन खुशी से, झूम रही है धरती, दर पे घुंघरू बांध के आई खुशियां छम छम करती, दर पे घुंघरू बांध के आई खुशियां छम छम करती, गीत खुशी के गाए हम आज दिन खुशियों वाला आया, गीत खुशी के गाए हम आज दिन खुशियों वाला आया है, मिलकर खुशी मनाए हम आज दिन खुशियों वाला आया है, सदके जाऊं सतगुरु तेरे जिसने खुशी दिखाई है, पूरी हो गई आज सभी की मन की मुरादें पाई हैं, कैसे इसे दिखाएं हम आज दिन खुशियों वाला आया है, कैसे इसे दिखाएं हम आज दिन खुशियों वाला आया है, मिलकर खुशी मनाएं हम आज दिन खुशियों वाला आया है, बिन पंखों के उड़ उड़ जाए पैर न पड़े जमी पर, अपनी जैसी किस्मत वाला होगा कौन यहाँ पर, लख लख शुक्र मनाए हम आज दिन खुशियों वाला आया है, लख लख शुक्र मनाए हम आज दिन खुशियों वाला आया है, चारों दिशा में गूंज रही है खुशियों की शहनाई, गुरु गुरु मुखों को देखो देते आज बधाई, गुरु गुरु मुखों को देते देखो आज बधाई, मिलकर आशीष पाए हम आज दिन खुशियों वाला आया है, मिलकर खुशी मनाए हम आज दिन खुशियों वाला आया है, लख लख शुक्र गुजार करिए हरा वाले बापू दा दीदार करिए, हरा वाले बापू दा दीदार करिए, हुन वधाइयां जी हुन वधाइयां, हुन वधाइयां जी हुन वधाइयां, संगतां दे नाल साडा वेड़ा भरिया, संगतां दे नाल साडा वेड़ा भरिया, खुशियां दा वेखो देखो अज चढ़िया, खुशियां दा देखो अज चन्न चढ़िया, हुन वधाइयां जी हुन वधाइयां, ब्रह्मा विष्णु महेश आए ने, दीन वधाई मेरे बापू आए ने, ब्रह्मा विष्णु महेश आए ने, देन वधाइयां मेरे बापू आए ने, देन वधाइयां मेरे बापू आए ने, ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। बहुत बहुत मुबारक भाई साहब को दीप बेटे के जन्मदिन की, बापू जी कृपा बनाए रखे लंबी उम्र दे, ऐसे ही हमारी संगत के साथ जूम के साथ जुड़े रहे, ऐसी कृपा बापू जी बनाए रखे, जय बापू।